हेलो, मैं सुनील कुमार पाठक, रामधारी सिंह दिनका जी की धरती बिहार से आप लोगों को जो समय से पहले यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको एक बात प्रणाम करता हूँ और दो बार उन्हें प्रणाम करता हूँ जो समय से 5 या 10 मिनट लेट आए और आज जो सबसे लास्ट में आएगा उसे हम चीफ गेस्ट बना देंगे। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के लोग बड़े ही जिम्मेदार होते हैं। जानकारी के लिए आप लोगों को यह बता दूं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस जेल का उद्घाटन किए आज उसी जेल में बंद है। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आजकल पॉलिटिक्स के बारे में बोला जाता है, कब तक आगे सुनूंगा मोदी जी और योगी जी के बारे में। तुम तोड़ो वादे और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादे और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे ही हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आ जाते 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आ जाते 15 लाख खाते में, मोदी तुम्हें हर बार हम जिताते रहेंगे। एक राहुल जी का वाक्य है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई ठीक नहीं है। देखिए हिंदी में अंग्रेजी कैसे घुसी पड़ी है। ख्वाबों में तेरे अपने कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई ठीक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ फिर तुम ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे ही जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, मगर बुढ़ापा में अनुपज लोटा बनाना। जो भी कहूंगा सच ही मेरे साथ की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम। भूलेगी क्या, महंगाई का मारा हूँ, बीच बीच में भूलूंगा नहीं तो आप लोग मजा कैसे लोगे। महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम। देखिए आपको एजुकेशन के बारे में बता दूं, एक बात की बात है, इस स्कूल मतलब मैं जहाँ पढ़ा हूँ उस स्कूल में 4 टाइप के विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और क्या सब्जेक्ट लेते हैं साइंस, वो बनते हैं इंजीनियर और डॉक्टर। और इंजीनियरों की हालत आपको पता ही है, याद देखते हैं रोज। दूसरे नंबर पे जो पढ़ते हैं थोड़े पढ़ाई में कमजोर होते हैं, वो आर्ट साइंस लेते हैं और बीए सीए सिविल सर्विस में जाते हैं। ठीक है, वो जब सिविल सर्विस में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो सीए होते हैं ना ये इंजीनियर और डॉक्टर के ऊपर बैठ करके इनको तनख्वाह बांटते हैं। तीसरे वो होते हैं जो क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं, केवल मारा मारी करते हैं। जो ये मारा मारी करते हैं ये बनते हैं नेता और ये नेता इन दोनों को चलाते हैं। और चौथा विद्यार्थी कौन सा होता है,
चौथा विद्यार्थी वो होता है जो स्कूल के गेट तक पढ़ने आता है, स्कूल के अंदर ना आता। जो विद्यार्थी स्कूल के गेट तक पढ़ने आता है वो पता है क्या बनता है? आगे चल के बनता है बाबा। अरे जो बाबा होते हैं ना वो इन तीनों के अंदर करते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ने गया तो मैं आठवां पास करके जब नौवां में गया, हमारे यहाँ नौवां बोलते हैं, बिहार में आठवां नौवां गिना जाता है, आठवीं नौवीं गिना जाता है। तो मैं जब एजुकेशन आठवीं पास करके आठवां नौवां में गया तो प्रिंसिपल साहब हमारा अच्छा स्कूल था तो इंटरव्यू देने के लिए बुलाए, बोले बताओ स्कूल किसे कहते हैं? पूछे स्कूल किसे कहते हैं? मैंने जवाब दिया। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लड़के भी थे, सबसे इंटेलिजेंट मैं वहां बैठा था। मैंने जवाब दिया स्कूल वो जगह है जहां हमें कूटा जाता है और हमारे पापा को लूटा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, अस्पताल किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन आ गया, अस्पताल किसे कहते हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि वहां तो सबसे इंटेलिजेंट भाई बैठा है। मैंने जवाब दिया, धरती से स्वर्ग जाते हुए जो बीच में टोल नाका पड़ता है उसे हम अस्पताल कहते हैं। अंग्रेजी का टीचर आए, बोले मैं एक आम आदमी हूं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मैंने जवाब दिया, आई एम ए मैंगो मैन। बाजार में गोलियां चल रही हैं, ट्रांसलेट करो अंग्रेजी में। मैंने बताया, टैबलेट इन द वर्किंग आर वर्किंग इन द मार्केट। साइंस का टीचर आया, पूछा हम पानी क्यों पीते हैं? सारे लड़के चुप। मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। इसी तरह आगे क्वेश्चन आया, पहले मुर्गी आई या अंडा? अगला क्वेश्चन पूछा गया, पहले मुर्गी आई या अंडा? सारे लड़के अलग अलग जवाब देने लगे, पहले अंडा आई या मुर्गी आई? मैंने बताया, मैंने बताया सबसे पहले नमकीन आई। सबसे पहले नमकीन आया, फिर अंडा आया, फिर बोटा आई, फिर मुर्गी आई और अंत में बिल आया। अंत में बिल आया। अगला क्वेश्चन आए हिस्ट्री का टीचर, इतिहास के, पूछे जिम्नास्ट अंधे थे फिर भी उनके 100 बच्चे थे, पांडु के पास जबकि एक हाथ हो रहा था। सारे लड़के चुप। मैंने बताया, मैंने बताया अगर सही बताए होते एक हाथ ताली बननी चाहिए। मैंने बताया आठ वालों के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा इतिहास के टीचर, महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। ये कारण की बात आ गई, एक लड़का खड़ा हुआ, बोला अगर दुर्योधन अपनी हत्या करते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। दूसरा लड़का खड़ा हुआ, बोला अगर विश्वविद्यालय अपनी पुत्री का त्याग देते तो भी महाभारत नहीं होता। यानी उस स्कूल में कोई भी हमारे इतना इंटेलिजेंट बंदा आया नहीं था। मैंने बोला उस समय पुलिस नहीं थी, अगर पुलिस होती तो दोनों पक्षों को पांच पांच मिनट लोगों को पकड़ के बैठा देती और ले लेके सफा चक्कर। ये होता है इंटेलिजेंट बंदे का। मैं अब आप लोगों को इतिहास के लिए एक कविता करके सुनाता हूँ। हम स्तंभ नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम सौ पर भारी एक पड़े, हम सौ पर भारी
एक पड़े हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, सहनाई जिस पर नाजी करे बिस्मिल्ला खान हमी तो है, शारदा लोक सैनी गायक सुर की पहचान हमी तो है, दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम ढलते के भी पुजारी हैं। थैंक यू, हमें सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमेडी थी पाठक जी, इतने होनहार हैं आज पता चल रहा है, होनहार बच्चे रहे हो।